वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आपके एयरफोर्स ग्रुप 3 की तरफ से एक और सेंटर का रिजल्ट जारी किया गया है। तो इसमें देखेंगे कि कौन से सेंटर का रिजल्ट जारी किया है और लिस्ट के अंदर किस किस स्टूडेंट का नाम आया है, और बहुत सारी लिस्ट है। तो आप सारे वीडियो को बस लास्ट तक जरूर देखना, और जो भी आपकी भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें वीडियो को या फिर अभी आप कमेंट कर दीजिए, वीडियो के बाद में भी कमेंट कर सकते हो। जो भी आपके कमेंट होंगे वो अपन वीडियो के लास्ट में एक बार सारे सारे कमेंट देख लेंगे। तो एक बार जिसकी भी जो भी क्वेरी हो आप अभी कमेंट भी कर सकते हो, और साथ में वीडियो के लास्ट में जरूर कर देना, तो आपकी जो भी क्वेरी होगी वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो अभी तक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो चलो आप कर ही लोगे, सभी वीडियो को लाइक भी कर देना। अब चलो रिजल्ट देख लेते हैं, और रिजल्ट के अंदर मैं ये बता देता हूं, देखो दो सेंटर का रिजल्ट आया हुआ है। एक सेंटर का तो जो अभी अपन सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद एक और सेंटर का जो जिसकी दो ही लिस्ट आई हुई है, तो वो भी लास्ट में जरूर देखेंगे। तो आप जरूर देख लेना, क्या पता आपके पहले वाले सेंटर का आपने एग्जाम नहीं दिया हो, दूसरे वाले का दिया हो। तो अब चलो अपन देख लेते हैं कि जो पहले सबसे पहले वो कौन से सेंटर का रिजल्ट है। तो यहाँ पे जो आप ये लिस्ट देख सकते हो, थोड़े से आपने पहले ही मैंने ग्रुप के अंदर तो अवेलेबल ऑलरेडी करवा दी थी, तो आपने वहाँ पे देख ली होगी। बाकी अगर किसी ने नहीं देखी तो ये कौन से सेंटर का रिजल्ट है, बाद में आप कहोगे बताते नहीं हो। ये 23 ED ये आबादी का रिजल्ट है, ये जरूर ध्यान रखना, ये 23 ED आबादी का रिजल्ट है। तो ये इसका रिजल्ट आ गया है, सभी ने मोस्टली ये लिस्ट देख ली होगी। बाकी आपके जो भी कमेंट आ रहे हैं वो अपन वीडियो के लास्ट में एक बार जरूर देख लेंगे। पहले रिजल्ट इसलिए देखते हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट अगर बाद में भी वीडियो देखता है तो उसको कमेंट की वजह से परेशान नहीं होना पड़े, पहले वो रिजल्ट का पता चल जाए। चलो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। वैसे ये देख सकते हो आप, ये कौन सी पोस्ट के लिए, तो कलर पेन का कलर रेड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, रेड नहीं हुआ, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर स्किल टेस्ट। यहाँ पे जो कैटेगरी है वो आपके ट्रेड कौन सा है, MTS है, और जो भी UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट उनका है। और ये मैंने आप जो बार बार पूछ रहे हो आपकी कौन से सेंटर का है, तो आबादी का सेंटर का रिजल्ट है, मैंने पहले बता दिया था। अब जिस भी स्टूडेंट है, आप अगर लिस्ट देखना चाहते हो तो टेलीग्राम पर जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करके भी लिस्ट देख सकते हो। और अगर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ से मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आपको लिंक मिल जाएगा आपके लिए। अगर जब सबसे बड़ा जो सवाल है, आप यहाँ से भी लिस्ट देख सकते हो, मैं एक एक करके आपके देखो स्क्रॉल कर देता हूँ। बहुत सारी लिस्ट है तो नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जो UR के जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो पास किए गए, टोटल 20 कैंडिडेट को पास किया गया है। चलो अगली लिस्ट देख लेते हैं। अगली जो लिस्ट है वो भी यही की है, सारी सारी अभी तक जो लिस्ट आएगी वो 23 ERD की आएगी, उसके बाद की जो लिस्ट है वो उसके बाद में देखेंगे जो दूसरे सेंटर की। ये अभी जो सारी सारी आबादी की है, ये जो अभी जो पहले अपन ने देखी थी वो कौन सी थी, वो आपके UR की थी। ये आपके कौन सी SC कैटेगरी की है, तो ये आप देख सकते हो SC कैटेगरी की। इसको भी थोड़ा सा जूम करता हूं मैं, तो अब देख लेना आप, जो भी SC कैटेगरी के अंदर जो 10 स्टूडेंट पास हुए वो सारे सारे 10 स्टूडेंट के यहाँ पे नाम क्लियर दिख रहे होंगे आपको। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन की अगली जो लिस्ट है ये आपके LDC की है। LDC के अंदर कौन सी कैटेगरी है, तो UR कैटेगरी से है ये। और LDC के अंदर भी कितने स्टूडेंट पास किए गए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आप चलो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे आप सभी देख लेना, आपके रोल नंबर दे दिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट दे दिया। बाकी अभी जो इनके अब वो स्किल टेस्ट कब तक होगा इनका, वो सब भी अपन जरूर डिस्कस कर लेंगे, और आपको कैसे पता चलेगा। एक चीज़ यहाँ पे जरूर ध्यान दे देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता। यहाँ पे लिखा हुआ है द लिस्ट इज एज पर रोल नंबर एंड नॉट एज पर मेरिट। यहाँ पे कहने का इनका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे अगर आप समझना चाहो तो देखो, जो सबसे पहले जिस स्टूडेंट का नाम है, जैसे यहाँ पे रोहन का जो नाम है, इनका कहना है कि जो रोहन का नाम है इसका एक नंबर पे आने का कहीं भी ये मतलब नहीं है कि इनके सबसे ज़्यादा नंबर बने हैं या फिर इनके सबसे ज़्यादा परसेंटेज है इस वजह से इनका सबसे ऊपर है। इनके सबसे ऊपर नाम भर आने का है क्योंकि इनका रोल नंबर है वो 185 सबसे पहले है, उसके बाद 252, तो इसी हिसाब से दिए हुए हैं। तो अगर जिसका नाम पहले है उसका जरूरी नहीं है कि नंबर उसके सबसे ज़्यादा हो, तो ये इसका मतलब होता है। काफ़ी स्टूडेंट बार बार पूछते हैं बाद में कि सर जो ये लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, इसलिए आज ही बता दिया आपको। ये जो लिस्ट है चलो ये भी देख लेते हैं। ये जो लिस्ट है आपके ASK की, यानी कि स्टोर कीपर की जो लिस्ट है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो पास किए गए 20 कैंडिडेट पास किए गए। अगर कोई भी स्टूडेंट ये लिस्ट देखना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पे देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी अभी तक जितने स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ था सभी का ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया। बाकी देखो जो रिप्लाई हम करते हैं आपका मेन मैसेज दिन में आ जाता है, नाइट में आपको 3 से लेकर 4 बजे के आसपास सभी का रिप्लाई मिल जाता है, तो आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाता है। तो एक बार आप ये परेशान नहीं होना कि रिप्लाई नहीं मिलेगा। चलो यहाँ पे एक और लिस्ट है ये देख लेते हैं। ये जो है ये UR कैटेगरी SS यानी कि स्टोर सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है उसके लिए, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट UR के अंदर पास किए गए। वैसे कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिया इन्होंने, तो 30 स्टूडेंट पास किए गए। यहाँ पे अगर क्लियर नाम नहीं दिखा तो आप टेलीग्राम पर देख लेना, बाकी यहाँ पर दिख तो रहा है वैसे क्लियर। चलो ठीक है अगली लिस्ट, बाकी जो भी आपके कमेंट आ रहे हैं कमेंट का मैंने पहले ही बता दिया था, अपन वीडियो के लास्ट में एक बार जरूर देख लेंगे। ये SK की लिस्ट है यानी कि स्टोर कीपर की है, ये SC कैटेगरी के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर भी आपको सभी के नाम क्लियर दिख रहे होंगे, ये तो ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, 10 स्टूडेंट है डायरेक्ट दिख गए। कैटेगरी कौन सी, SK कैटेगरी है। और रिजल्ट कहाँ का था, तो मैंने पहले ही बताया था ये था 23 ED आबादी का। अब जो ये है आपके SS की है, EWS कैटेगरी से रिलेटेड है,
थोड़े जल्दी जल्दी निकाल देते, बहुत सारी है आपके जो कमेंट आ रहे हैं वो भी अभी लेने। ये भी एसएस कैटेगरी है ओबीसी से, तो ओबीसी वाले स्टूडेंट भी एक बार जरूर देख लेना। यहाँ पर अगर किसी का नाम आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि सर मेरा नाम है, ये जरूर ध्यान रखना है सभी को, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि मेरा लिस्ट के अंदर नाम आया है और कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, ये भी लिखना। ये है एमटीएस पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट को 9 स्टूडेंट पास किए गए। वैसे जिसने भी ये लिस्ट भेजी आज बहुत ही अच्छी भेजी है, गाजियाबाद वाले के अंदर जो भी स्टूडेंट गए थे वहाँ पे उन्होंने लिस्ट में बहुत खराब किया था। यहाँ पर देखो सभी के ये है आपके पीडब्ल्यूबीडी और एलडीसी के, ये भी हो गए आपके 20 स्टूडेंट है। ये आपके एलडीसी के ईएसएम से कैटेगरी से आगे 10 स्टूडेंट है। ये अगली जो लिस्ट है आपके एस के यानी स्टोर कीपर ओबीसी के आगे, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 20 है। अब अगर अपन बात करें एसएस की, यहाँ पर है जो आपके कैटेगरी एससी कैटेगरी से आगे और स्टोर सुप्रिटेंडेंट की जो पोस्ट है, यहाँ पर चलो 20 स्टूडेंट है। ये भी स्टोर सुप्रिटेंडेंट के ओबीसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आपके कितने स्टूडेंट 30 स्टूडेंट लिए गए इन्होंने ओबीसी के अंदर भी। बहुत सारी लिस्ट है वैसे अलग अलग अपन दिखाएंगे, तो एलडीसी की एससी कैटेगरी और ये आपके हैं मेस स्टाफ की यूआर कैटेगरी से। इसके बाद करें तो ये आपके एसएस की ईएसएम कैटेगरी से, ये आपके एमटीएस की ओबीसी कैटेगरी से हो गई, एमटीएस यूआर कैटेगरी से। अब तो अभी तक जो अपन ने लिस्ट देखी थी वो जो भी आपकी लिस्ट थी वो कौन सी थी, मैंने पहले वैसे आपको बताया था 23 ईडी और आबादी। अब ये अगर आपको खुद को लिस्ट देखनी हो तो ये कहाँ पे मिलेगी, ये लिस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कहाँ पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। अब जो अपन लिस्ट देखने वाले हैं वैसे शायद इसका रिजल्ट थोड़ा पहले भी आ गया था, लेकिन कल कुछ और स्टूडेंट मांग रहे थे इसलिए मैंने सोचा आज वीडियो में मैंने उन सभी को कहा था कल वाले वीडियो में ऐड कर देंगे। तो ये जो लिस्ट है आपके ये कौन से सेंटर की, अगर किसी को नहीं पता तो एक बार आप देख लेना। बाकी जो आपकी डेट ऑफ स्किल टेस्ट है 14 फरवरी को होने वाला है इनका। तो यहाँ पर बात करें ये जो लिस्ट है आपके ये है 9 BRD, यहाँ पर लिख रहा हूँ अगर क्लियर नहीं दिख रहा थोड़ा चलो मैं वाइट कलर का पेन ले लेता हूँ। ये है आपके 9 BRD और पुणे, ये आपके 9 BRD पुणे की लिस्ट है, ये जरूर ध्यान रखना। ये लिस्ट भी आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी अवेलेबल करवा दी, अगर किसी ने नहीं देखी तो वहाँ पे जरूर देख सकते हो। थोड़ी सी क्लियर लिस्ट क्लियर है लेकिन थोड़ी यहाँ पे लाइट कम है इसके अंदर, ये देखना अगर किसी को नाम दिख रहे हो तो चलो ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर आ गए, फिर यूआर कैटेगरी सबके रोल नंबर के आगे लिखी हुई है, नाम विवेक हो गया, फादर नेम डेट ऑफ बर्थ और स्किल टेस्ट। और ये अगर अपन बात करें कौन सी टेस्ट की आप ट्रेड के लिए, तो एमटीएस के लिए, ये जरूर ध्यान रखना। और एग्जाम कौन सा था 3/2021 जो एग्जाम हुआ था उसका ये रिजल्ट है। तो ये देखो सभी का नाम आ गया यहाँ पे एक बार देख लेना, जिसने भी आपका एग्जाम दिया था 9 BRD पुणे के अंदर, ये जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए यहाँ पे सभी की डेट ऑफ बर्थ लिख दी। 14 फरवरी 15 फरवरी को स्किल टेस्ट है, 16 फरवरी को भी स्किल टेस्ट है। एक और लिस्ट है वो भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो आपको 16 फरवरी को इनका भी स्किल टेस्ट है और 17 फरवरी को भी स्किल टेस्ट है, 18 को है, 16, 17 और 18, 14 को भी है और 16 को भी है, 17 और 18 को भी स्किल टेस्ट होने वाला है। तो ये आपने लिस्ट जरूर देख लेना, पुणे की थी ये लिस्ट। तो अब जो भी लिस्ट थी मैंने आपको बता दी है सारी की सारी दोनों ही लिस्ट। तो अब अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें पूछ भी सकते हो। चलो एक बार आपकी क्वेरी ले लेते हैं, एक नया पेज लेते हैं, फिर आपके मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। ये बताओ अब जो भी आपकी क्वेरी हो आप मैसेज कर दो। हिंडन एच केस का सर गो रन ऑफ रन जो आप पूछ रहे हो, हिंडन एच केस की तो ऑलरेडी सर लिस्ट अवेलेबल है, उसके रिगार्डिंग तो वीडियो भी बनाया था और पूरी लिस्ट टेलीग्राम पर अवेलेबल है। आप एक बार देखो, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम को ज्वाइन करता है, आपने चाहे ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा हो या फिर अभी जो नए ज्वाइन करते हो, तो टेलीग्राम के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जब उसके बायो के अंदर जाते हो तो आपको मीडिया का ऑप्शन मिलता है। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार मीडिया के अंदर जाकर जरूर देख लीजिए कि आज के दिन में अगर दिन में शाम को भी आप खोलते हो तो पूरे दिन में अगर कोई नई फोटो अवेलेबल ये तो कौन से सेंटर की, तो आपको वहां पे मिल जाएगा। एक के मातुर जो हमला का पूछ रहे हो आप, सर हमला का काफी सारे स्टूडेंट का आज कहना है कि उनके पास में वो लेटर आने शुरू हो गए वहां से, लेकिन अभी तक किसी का भी लेटर मेरे पास में आया नहीं तो मैं आपको दिखा नहीं पाया था। बाकी कुछ स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि हमला के लेटर आना शुरू हो गए। एक के ठाकुर आपका ये रिप्लाई है कि अमला के लेटर आना शुरू हो गए। अगर किसी भी स्टूडेंट का, चलो ये भी बता देता हूँ, अमला का अगर किसी भी स्टूडेंट के पास में लेटर आता है तो आप हमें टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे जरूर भेजना, ताकि बाकी सारे स्टूडेंट को भी पता चल जाए। बाकी अमला का बोल रहे हैं लेटर आने शुरू हो गए लेकिन अभी तक किसी का पता नहीं हुआ। अब निखिल जो आप बोल रहे हो रिप्लाई करो, तो अब आप अपना मैसेज वापस भेजो, पहले तो कमेंट ही नहीं देख रहे थे, अभी कमेंट चालू है। आगरा का कब आएगा सर? सर आगरा का अब जल्दी आने वाला है, लेकिन आगरा का भी यही लग रहा है सर कि आगरा का वो आपके क्या बोलते हैं लिस्ट आने का बहुत ही कम चांस है आगरा का। आगरा का डायरेक्ट ही अब आपके रिजल्ट ही आने वाला है, मतलब जो भी सिलेक्ट होंगे सिर्फ उनके पास में वो डायरेक्ट भेज देंगे। लिस्ट आने का आगरा का बहुत कम चांस है अब। 9 BRD का कब आएगा सर? 9 BRD पुणे का तो अभी जो डिस्कस किया था अपन, आप जो पूछ रहे हो 9 BRD का,
गाजियाबाद का कट ऑफ बताओ एच के एस का। सर गाजियाबाद का कट ऑफ किसी का भी नहीं बता सकते क्योंकि वहाँ से एयरफोर्स की तरफ से कुछ भी जारी नहीं किया जाता कि जो सिलेक्ट हुए हैं उसके कितने परसेंटेज आए, तो कट ऑफ नहीं बता सकते। जो अल्ट्रा आप जो पूछ रहे हो अल्ट्रा फनी वीडियोज, तो आपका जो आंसर है कि मतलब कट ऑफ कहीं की भी कोई भी नहीं बता सकता कि कितनी है। अब बाकी मोस्टली जो आपके नॉर्मली जो कट ऑफ रहती है वो आपके 85 से 95% है। जो आपके NTPC की कट ऑफ गई थी वो मान के चलो कि एयरफोर्स की वही कट ऑफ रहती है। औजार नासिक का रिप्लाई दो सर। सर नासिक की कोई अपडेट नहीं है सर, क्या रिप्लाई दे सर। 3BRD का रिजल्ट सर, चिराग शर्मा 3BRD का जब भी रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले आपके पास में लेटर आ जाएंगे ऑलरेडी, वहाँ से लिस्ट बहुत ही कम जारी की जाती है 3BRD की तरफ से, डायरेक्ट ही लिस्ट ही जारी कर देंगे वो, मतलब आपके पास लेटर ही आ जाएंगे। अब लिस्ट आने का बहुत कम चांस है क्योंकि बहुत लेट हो गया वो। यहाँ पर एक स्टूडेंट का कमेंट था अपना ऐसा नहीं दिखा हिंडन एच के एस वीडियो बना के दिखाओ कैटेगरी वाइज। सर हिंडन एच के एस का कैटेगरी वाइज जो आप बोल रहे हो कि गो रन और गो ऑफ रन लिखा हुआ आपने कि एच के एस का कैटेगरी वाइज वीडियो बनाओ, कैटेगरी वाइज सर हम वीडियो नहीं बनाते हैं। कैटेगरी वाइज जो है आगे सेंटर की तरफ से रिजल्ट जारी किया है तभी होता है। आज जैसे आज जो अपन ने रिजल्ट देखा था उसका उन्होंने कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी किया था तो हमने कैटेगरी वाइज दिखा दिया, और बाकी जो हिंडन ने जो जारी किया था वो डायरेक्ट उन्होंने रोल नंबर वाइज लिख दिया था कि कौन कौन सेलेक्ट हुआ है, उन्होंने कैटेगरी वाइज कुछ भी नहीं बना। स्टेशन से भरा था कब तक आएगा मोहित सिंह, अगर आपने लास्ट वाला जो अभी जो लास्ट में जो वैकेंसी आई थी 5/2021 उसमें भरा था तो अभी टाइम लगने वाला है। निखिल सर कहाँ पे आपने कमेंट किया ये बताओ, आप या तो करो इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम दोनों जगह कहीं भी मैसेज कर दो वहाँ पे आपका रिप्लाई मिल जाएगा। कानपुर सेंट्रल में एग्जाम होगा सर, एग्जाम तो होगा कानपुर का। हाँ अभी एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना ही भूल गया था, कानपुर को लेके काफ़ी सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि सर पोस्टपोन तो होगा या नहीं होगा, तो कानपुर को लेके अभी कोई भी अपडेट नहीं है। कानपुर वाले सभी जरूर ध्यान रखना कि कानपुर को लेके अभी कोई भी अपडेट नहीं, इसका मतलब है कि आपका एग्जाम होगा। अगर वहाँ से कोई भी अपडेट आती है कि एग्जाम नहीं होगा तब बात अलग है। और एक चीज़ और थी, एक सेंटर और है आपका चंडीगढ़ वाला सेंटर, ये जरूर ध्यान रखना कि चंडीगढ़ का जो भी सेंटर है जिन स्टूडेंट के पास में चंडीगढ़ सेंटर के पोस्टपोन को लेके और अगर आपके पास में लेटर आया है तो आप सभी से बस रिक्वेस्ट है कि आप एक बार हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे कहीं भी पोस्टपोन को लेकर अगर आपके पास लेटर आता है तो अवेलेबल ज़रूर करवा देना, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख देना एटलीस्ट कि मेरे पास पोस्टपोन को लेकर चंडीगढ़ का लेटर आ गया है। सर एक मेडिकल का वीडियो बना दीजिए। सर मेडिकल जो आपके होता है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर होता है तो एकदम नॉर्मल होता है। हिमांशु कुमार जो आप पूछ रहे हो मेरा रिप्लाई ही नहीं कर रहे। सर जो मैसेज दिख रहे हैं यहाँ पे मोहित सेन, मैंने दिल्ली का भरा था लास्ट ईयर अब तक नहीं आया। सर लास्ट ईयर वाला अभी तक नहीं आया तो फिर उसका वेट मत कीजिए। अब आप एच के एस में किसी का फाइनल सिलेक्शन हुआ है क्या? सर बहुत सारे स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, ग्रुप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट का हुआ है। और अब अगर बात करें मेरा भी रिप्लाई दे दो शिवम कुमार, शिवम कुमार का मैसेज क्या, मैसेज ही नहीं दिख रहा। श्रमला फाइनल रिजल्ट सर, कानपुर सेंट्रल कट ऑफ कितना जाता है? आगरा का सर मैंने आपको बताया था, आगरा के अब डायरेक्ट ही लिस्ट ही आएगी, लिस्ट क्या है आपके डायरेक्ट एडमिट कार्ड ही आने बस। ट्रेड टेस्ट होके कितने दिनों में फाइनल रिजल्ट आता है? पवन जो आप पूछ रहे हो ट्रेड टेस्ट होने के उस महीने भर के बाद में नॉर्मली आ जाना चाहिए, फिर उसके बाद सेंटर पे डिपेंड करता है कि सेंटर वाले कितना लेट करते हैं। सर कोई नई वैकेंसी आई क्या ग्रुप सी की? मोहित सिंह जो आप पूछ रहे हो नई वैकेंसी अभी तक ग्रुप सी की कोई वैकेंसी नहीं आई है, जल्दी अब आने वाली है लेकिन अभी तक नहीं आई। सर जो ऑफलाइन पेपर हुआ था LDC का ये वही है क्या? जो ऑफलाइन पेपर हुआ था LDC का अगर आपने इसी सेंटर पे दिया था तो ये उसी का रिजल्ट था। सर गुड़गांव का फाइनल आ गया क्या? सर नहीं आया रियल फैंस। अमला का कब तक आएगा? अमला की सर फिक्स कोई भी अपडेट नहीं है, बस कभी भी आ सकता है ये, बाकी उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं, उन्होंने जो जो डेट दी थी वो सारी सारी डेट निकल गई है। अगर एच के एस में सिलेक्शन होता है तो स्टेशन के अंदर रहना पड़ता है क्या? स्टेशन के अंदर रहना तो ये तो कोई कंपल्सरी नहीं है, आप बाहर भी रह सकते हो। आप एक बार 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 ये मैसेज कर रहे हो क्या नरेंद्र सिंह कि मेरी सुन लो, आप मैसेज तो करो कि आपका सुनना क्या है। जालंधर फाइनल एच के एस में सिलेक्शन होता है तो स्टेशन के अंदर रहना पड़ता है, ये तो ऑलरेडी डिस्कस हो गया है। जालंधर का अभी सर कोई अपडेट नहीं है, बहुत सारे सेंटर है सर कोरोना की वजह से जिन्होंने लेट कर दिया है उनका कुछ भी नहीं है। बानु राय कंवर आप अपना कमेंट तो लिखिए सर, कमेंट क्या है? सर आई विजन 6 बार आए हो जाएगा, आई विजन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर फॉर्म भरने के लेकर ज्वाइनिंग तक का सर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का उसकी जो हेडिंग है या फिर जो आपका थंबनेल है उसमें भी यही लिखा हुआ है। सर बताएं मानोड़ी प्रयागराज का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा? सर नेहा सिंह जो आप पूछ रहे हो प्रयागराज का फाइनल रिजल्ट की अभी मतलब भाई इस अगले महीने तक आ सकता है, ये उनका किसी का कहना है जो उनकी बात हुई थी। प्लीज़ रिप्लाई दे दो सर,
वापिस सर जो एक किसी का मैसेज आया था प्लीज़ रिप्लाई दे दो, एयरपोर्ट स्टेशन हलवाड़ा का रिजल्ट कब आएगा। सर फिक्स रेट नहीं है, जैसे जिनका आप कम से कम मान के चलो जिनका एग्जाम मिनिमम 45 डेज तो टाइम लगता है। सर जी प्लीज़ मेरा भी रिप्लाई दे दो, एयरपोर्ट स्टेशन हलवाड़ा, ये किसी का बार बार मैसेज आ रहा था इसका हलवाड़ा सेंटर का रिजल्ट का, लेकिन उसकी सर कोई अपडेट नहीं है, तो आपको कैसे क्या रिप्लाई दूँ मैं सर बताओ। अनु कुमार सर ATCS सेंटर बेंगलोर एग्जाम हो गया है, प्लीज़ बता दो कि पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन को सर उस सेंटर के लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये जॉब परमानेंट है। पोस्टपोन को लेके जिस सेंटर की लिस्ट आई आगरा का बताओ, उससे शेड्यूल है सर। सर आगरा का क्या बताएं सर, आगरा की मैंने आपको यही तो बताया था, आगरा का रिजल्ट आना ही बहुत कम चांस है। आगरा का डायरेक्ट ही चांस है कि आपके पास में जो सिलेक्ट होंगे उनके एडमिट कार्ड आ जाएंगे बस। गाजियाबाद स्किल प्रोसेस, गाजियाबाद स्किल का साहिल जो आप उधर अलग से वीडियो बना दिया है, मनमोहन तो आपका नाम लेना था चलो ले लिया। प्लीज़ टेल मी अबाउट स्किल टेस्ट, स्टोर सुपरिटेंडेंट का सर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। आप जिसको भी स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो कि मुझे स्किल टेस्ट में क्या करवाया जाता है, तो आपको स्किल टेस्ट की प्लेलिस्ट में जाके एक बार जरूर देखना चाहिए, वहाँ सारे सारे वीडियो मिल जाएंगे। हाइट्स कितना चाहिए, हाइट कोई भी कंपलसरी नहीं है, कितना भी हाइट चलता है। उसका जो रिजल्ट आया प्लीज़ अपडेट है, प्लीज़ एयरपोर्ट्स का जब भी रिजल्ट आए सर, जब भी एयरपोर्ट्स का रिजल्ट आता है हमेशा आपको अपडेट जरूर करते हैं, आप ग्रुप में जुड़ जाइए वहाँ पे अपडेट मिलती रहेगी। गाजियाबाद का जो आप पूछ रहे हो एक सोशल नाम से था किसी का मैसेज, तो गाजियाबाद का जो भी प्रॉब्लम है आपका, अब तो वहाँ से एडमिट कार्ड आना शुरू हो गया, जो स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड है तो जो भी सिलेक्ट हुए उन सभी के पास एडमिट कार्ड आ जाएंगे, आपको लिस्ट देखने की जरूरत ही नहीं है। 8 अगस्त में हुआ था सर आगरा के अंदर, सर 8 अगस्त में आगरा का हुआ था। आगरा वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है और किसी के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो वो भी 5 दिन आगे की डेट देते हैं, लेकिन क्लियर कुछ भी नहीं है। मेरा NCCC सर्टिफिकेट है क्या बेनिफिट मिलेगा सर प्लीज़? सर NCCC सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग इन सारी पोस्ट में तो बहुत कम चांस है कि आपको कोई बेनिफिट मिले। XY ग्रुप का सर कुछ ही मत पूछो, उसका किसी को नहीं पता कब तक आएगा, वो भूल गए। कानपुर सेंट्रल में कट ऑफ कितना जाता है? कट ऑफ सर अभी तक सिर्फ एक दो, एक नागपुर सेंटर ने एक बार कट ऑफ दी थी, उनकी तो बहुत कम गई थी, बाकी स्टूडेंट कहते हैं उसके हिसाब से। आगरा में क्या बता दूं? आगरा के अंदर स्किल सर आप कौन सी वैकेंसी पूछ रहे हो? आगरा के अंदर वैसे देखो एक चीज और है, काफी सारे प्रॉब्लम वजह से ये भी होती है कि 2021-22 के अंदर 6 वैकेंसी आई थी, तो हर एक सेंटर पे 6 वैकेंसी का प्रोसेस चल रहा है, तो किसी के अंदर किसी वैकेंसी के अंदर अभी एग्जाम करवाने बाकी है, किसी में स्किल टेस्ट बाकी है, तो किसी के अंदर वो रिटर्न एग्जाम बाकी है, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। आपको कभी इन्फॉर्मेशन दूसरे वाले सेंटर की मतलब ये भी दे देते तो कंफ्यूजन की वजह से प्रॉब्लम है। पुणे चंदन नगर का अभी नहीं आया है सर। 9BRD का सर ये लिस्ट है, अगर को अभी किसी का मैसेज आ रहा था राजू कुमार, तो ये रही 9BRD की लिस्ट, अभी मैंने कहीं तो दिखाई थी आपको, ये रही 9BRD वाली लिस्ट, आप ये देख सकते हो। एक तो ये जो लिस्ट थी आप वीडियो बाद में देख लेना, आपको 9BRD की लिस्ट कंप्लीट दिख जाएगी, एक एक करके दिखाई थी। बाकी देखो एक सभी से ये है कि जब भी रिजल्ट आएगा तो आप बस चैनल को फॉलो करते रहिए, जब भी रिजल्ट आएगा हम आपको हमेशा ज़रूर अपडेट कर देंगे, कोशिश करते हैं कि हम आपको हर एक अपडेट करें। बस आप सभी से आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि अगर आपके पास में चंडीगढ़ सेंटर को लेकर लेटर आया है पोस्टपोन्ड का, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिख के बताना कि मेरे पास में पोस्टपोन्ड का लेटर आया है, और अगर अवेलेबल करवा सको हमें लेटर तो सबसे अच्छा होगा। गाजियाबाद का बताइए सर, गाजियाबाद के लेटर आना शुरू हो गए। हैदराबाद का एडमिट कार्ड सर अगले महीने तक आएगा, अगर आएगा तो, दो अगर 5/2021 का पूछ रहे हो तब। हाँ सर अमला का कुछ ही नहीं पता चल रहा सर। देखो सर सबसे इम्पोर्टेंट ऐसी भी है कि आप सभी को भी समझना चाहिए, जो इस आप अपने एग्जाम की बात कर रहे हो वो इंडियन एयरफोर्स एग्जाम लेता है, तो वो अपनी तरफ से कुछ भी इम्पोर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन पहले जारी नहीं करते हैं, किसी को भी नहीं पता होता कि एक्चुअल में कब रिजल्ट आने वाला है, क्या होने वाला है, बस एकदम रिजल्ट आ जाता है तो आ जाता है। बाकी मोस्टली अभी तक जितने सेंटर का रिजल्ट का देखा गया है वो 45 डेज के आसपास टाइम लेते हैं, अगर इसी से ऊपर हो जाता है 45 डेज से फिर उनका बहुत लंबाई खींच जाता है। बस कानपुर सेंट्रल में कट ऑफ कितना जाता है? सर मोस्टली कट ऑफ 85% से ऊपर ही जाता है सभी सेंटर पे। कोयम्बटूर का बताओ सर, कोयम्बटूर का तो रिजल्ट पहले ही अपडेट कर दिया था, एक बार आप जरूर ग्रुप के अंदर देख लेना। आपका नाम लेके नहीं, जिसका भी कमेंट आ रहा है, मैंने जैसे एक बार अनुज शर्मा आपका हैदराबाद का बार बार आ रहा है, लेकिन मैंने हैदराबाद का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एस के पोस्ट ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए सर, एस के पोस्ट का ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए आपको, तो ट्रेड रिलेटेड जो बना रखा है ग्रुप उसके सॉरी प्लेलिस्ट बनी हुई उसके अंदर देख लीजिए। बैदमपुर में स्किल टेस्ट हो गया है 17 जनवरी को, सर 17 जनवरी को स्किल टेस्ट हो गया तो अभी फरवरी लास्ट तक वेट करिए, तब तक फाइनल रिजल्ट आएगा। रमेश चोपो भाई पूछ रहे हो आप, मनूरी का सर, इसका सर एक तो बार तो पहले रिजल्ट आ गया था, उसके बाद अगर आपका कोई एग्जाम हुआ है तो उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है।
हमला के पीईटी रिलेटेड बताइए सर, हमला के पीईटी रिलेटेड ऑलरेडी सर, पीईटी रिलेटेड आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, सारे वीडियो अवेलेबल है सर। पाम का स्किल रिजल्ट, पाम का स्किल रिजल्ट नहीं आया, कौन से का पूछ रहा, आपका डेट कब थी पाम की स्किल रिजल्ट, पाम की स्किल रिजल्ट की लिखा, लेकिन बहुत सारे रिजल्ट आए थे बीच में और एक दो का ही बचा हुआ पाम का, बाकी सभी का आ गया था। ये काम करना आप जो भी देखो, आप टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम के अंदर आपको मीडिया सेक्शन के अंदर देखो, वहाँ पे जो भी रिजल्ट अगर वहाँ अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको मानना चाहिए अभी आपके सेंटर का रिजल्ट नहीं आया है, बाकी जिसका भी रिजल्ट आया था सभी का रिजल्ट ग्रुप के अंदर अवेलेबल है। तो चलो दोस्तों, आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। और एक चीज़ थी आपसे, मैंने सभी से आपसे रिक्वेस्ट की थी कि एक बार आपके पास में वो सर प्लीज़ बता दो कि पूरी जानकारी 280 एएससी सेंटर का एग्ज़ाम होगा कि नहीं, ये आपके एएससी सेंटर का एग्ज़ाम होगा या नहीं आपके पास में। भानु राय कुमार जो आप पूछ रहे हो, एक काम करना देखो आप मुझे, सबसे अच्छा आप ये रहेगा कि वहाँ आपका आराम से रिप्लाई मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना या फिर आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ से आपको पर्सनली आपको रिप्लाई मिल जाएगा। यहाँ पे अगर एक एक क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। या फिर अगर आप सभी चाहते हो तो एक ऐसा कर लेते हैं कि एक संडे को ऐसा रखते हैं, हर संडे को एक सिर्फ वीडियो आपके कमेंट के लिए लेके आ जाते हैं। मैंने ऊपर मैसेज किया सर, ऊपर वाला मैसेज वापस नहीं दिख सकता। नीरज जो आप बोल रहे हो, ऊपर क्या मैसेज किया था आपने, आप नंबर भेज दो, किसके नंबर भेज दे सर, नहीं भाई प्लेलिस्ट में एस के पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, एस के पोस्ट स्टोर कीपर की पोस्ट से रिलेटेड सर है सर, एक लड़के की थंबनेल की फ़ोटो भी लगी हुई है, वो मैं आपको अगर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा उस वीडियो का। आज किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया था, मैंने उसका लिंक भेजा था। नारद सिंह आपको व्हाट्सअप वगैरह कुछ भी नहीं है, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे सभी को आराम से रिप्लाई मिल जाता है, सबसे अच्छा वही रहता है। उनतीस जनवरी को सर 3BRT का सर इसी के लिए पूछ रहे सर, स्किल टेस्ट में सर मेरा हो गया 31 दिसंबर को, उसका रिजल्ट पूछ रहा हूँ अर्जनगढ़ एयरपोर्ट स्टेशन का। सर 31 दिसंबर को जो आपका स्किल टेस्ट हुआ है उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। नीरज जो आप पूछ रहे थे, आपका आंसर मिल गया है, तो अब हो गया होगा मोस्टली। मैंने सभी नीरज का बार बार मैसेज आ रहा था, आपका रिप्लाई दे दिया, बाकी अब किसी का भी हो तो आप मुझे वापस मैसेज कर देना वहाँ पर।